फ्रेग्रेंसेस इन स्किन केयर रूटीन, बहुत सारे जो स्किन की क्रीम्स हैं, सिरम्स हैं, थोड़े फ्रेग्नेटेड होते हैं. सो आर दे बैड, आर दे रियली बैड जो हम बात करते हैं नॉन फ्रेग्नेटेड यूज करिए. सी, थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस होना किसी चीज में जनरली अच्छी बात है, वो आपके सेंसेस को ट्रिकल करता है. सो व्हेन वी गो टू स्पा, व्हेन वी गो टू होटल्स, व्हेन वी हैव अ गुड अरोमा अराउंड, तो ओवरऑल आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको एक फील गुड फैक्टर देते हैं. सो दैट इज द रीजन ऑल द क्रीम्स इनिशियली इट यूज टू बी, दे यूज टू बी फ्रेग्नेंटेड. द शैम्पूज आर बिट ऑफ फ्रेग्नेंटेड बिकॉज वो आपके आपको अच्छा फील गुड कराते हैं. बट ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों को फ्रेग्रेंसेस से एलर्जी हो, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट्स जो भी यूज करते हैं नॉन फ्रेग्रेंटेड यूज करिए. बस दो लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनका स्किन थोड़ा सेंसिटिव है. बहुत कॉमनली प्रोडक्ट्स आपको सूट नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट लगाने पे आपका स्किन रेड हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, दे शुड अवॉइड फ्रेग्रेंटेड प्रोडक्ट्स. उसके अलावा देर आर वन टू कंडीशंस लाइक रोजेशिया जिनको रहता है, जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, तो हम बोलते हैं फ्रेग्रेंसेस अवॉइड करिए. उसके अलावा अगर आपका स्किन नॉर्मल है और आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स में थोड़ा अरोमा, थोड़ा फ्रेग्रेंस है, डू एंजॉय इट, डोंट माइंड, गो हेड.